गाइस मैं फिर से आ गया हूँ यश भाई की इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की एजेंसी में। और जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की पूरी डिटेल्स और फीचर्स बताऊंगा कि एक बार चार्ज करने पर कितना चलती हैं, इनमें बैटरी कौन कौन सी हैं और इनका कितना प्राइस है और इनके फीचर्स क्या क्या हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। तो गाइज ये है इस स्कूटर की चाबी और इसके साथ आपको दिया जाता है ये रिमोट जिसमें कुछ बटन है और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सबसे ऊपर इसमें दिया गया है लॉक बटन और उसके नीचे है अनलॉक बटन और ये थर्ड नंबर पे है पार्किंग बेल बटन। और गाइज ये सबसे नीचे दिया गया है इसमें स्टार्ट बटन जिसको आप डबल प्रेस करके स्टार्ट कर सकते हैं बिना चाबी के। और गाइज एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, अगर आपने इसको लॉक कर दिया है तो आपके स्कूटर को कोई कहीं नहीं ले जा सकता। ये लॉक करने के बाद में आपका स्कूटर हो जाता है बिल्कुल जाम, इसका जो व्हील है वो बिल्कुल जाम हो जाता है। तो गाइज मैंने इसमें चाबी लगा दी है और इसको कर दिया है ऑन और अब मैं आपको बताऊंगा राइट हैंड साइड में जो इसके कंट्रोल्स है उसके बारे में। और गाइज ये है इसका डिजिटल मीटर और अभी ये पार्किंग मोड पे है और जो ये ग्रीन बटन देख रहे हैं इसको प्रेस करके आप इसको पार्किंग मोड से हटा सकते हैं। तो गाइज जो आप रेड बटन देख रहे हैं इसमें आपको तीन मोड मिलते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और अभी ये सेकेंड मोड पे है। जैसे हम क्लिक करेंगे थर्ड मोड पे स्विच हो जाएगा और एक बार और क्लिक करने पर ये फर्स्ट मोड पे स्विच हो जाएगा। और अब मैं आपको इसकी स्पीड दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट मोड पे इसकी स्पीड है और ये सेकंड मोड पे है, इसके बाद में थर्ड मोड ऑन हो जाएगा अभी। और गाइज ये इसकी टॉप स्पीड है। गाइज अब मैं आपको इसके लेफ्ट हैंड साइड के कंट्रोल्स के बारे में बता देता हूँ। गाइज आपको यहाँ पे मिल जाता है हॉर्न और इसके ऊपर जो बटन है वो है इंडिकेटर्स के लिए और सबसे जो टॉप में बटन है ये है लो बीम हाई बीम लाइट के लिए। और गाइज जो आप रेड बटन देख रहे हैं ये है पार्किंग मोड के लिए जिससे आपके चारों इंडिकेटर्स ऑन हो जाते हैं। और गाइज ये है रिवर्स मोड के लिए, आप इसको प्रेस करके जैसे ही रेस देंगे तो ये रिवर्स मोड में चलना शुरू कर देगा। और गाइज यहाँ दिया जाता है आपको एक यूएसबी पोर्ट जिससे आप अपने मोबाइल्स वगैरह चार्ज कर सकते हैं। और गाइज आपको यहाँ पे मिल जाती है एक छोटी सी डिग्गी जिसमें आप अपना जरूरत का सामान रख सकते हैं। और यहाँ आपको ये सेकंड डिग्गी मिल जाती है और ये इसके मिरर्स हैं, काफी क्यूट लग रहे हैं। और गाइज ये देखिए कितना बड़ा बूट स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। और गाइज यहाँ लगी हुई है एक MCB, अगर बाई चांस आपके स्कूटर में कोई भी फॉल्ट आता है तो ये ऑटो कट हो जाता है। और इसका एक फ़ायदा और है, अगर आप इसे ऑफ कर देते हैं तो आपका स्कूटर ऑन नहीं होगा और कोई इसे स्टार्ट नहीं कर सकता। और गाइज यहाँ पे आपको मिलता है एक चार्जिंग पोर्ट जहाँ से आप अपने स्कूटर को चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ आपको एक हुक दिया जाता है जिसमें आप अपनी पोलोथीन और सामान वगैरह टांग सकते हैं। गाइज इसमें आपको मिलते हैं सीएट के ट्यूबलेस टायर, फ्रंट में आपको मिलता है डिस्क ब्रेक जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्प्रिंट प्लस प्लस में आपको मिलता है मल्टी कलर DRL और इसके इंडिकेटर्स में भी DRL है जो कि देखने में बहुत ही क्यूट लगते हैं और ये अपने कलर्स चेंज करता रहता है। गाइज ये है इसकी ब्रेक लाइट जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट है और सुंदर भी लग रही है। और ये हैं इसके बैक इंडिकेटर्स जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब मैं इसके डिटेल्स और फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा। ये है स्प्रिंट मॉडल और इसमें आपको मिलता है इस टाइप का डिजिटल मीटर, बाकी इसके कंट्रोल्स बिल्कुल सेम है और इसका बूट स्पेस है वो बिल्कुल सेम है, बाकी इसके जो लुक है वो थोड़ा इसमें डिफरेंस है। इन स्कूटर्स में आपको मिलती है एक साल की वारंटी और इनमें दो टाइप की बैटरी होती है, लेड एसिड और लिथियम।
गाइस जो लिथियम बैटरी है उसकी आपको 3 साल की वारंटी मिलती है और लेड एसिड में आपको 1 साल की वारंटी मिलती है। गाइस अगर आप इनको एक बार चार्ज करते हैं तो इनकी जो रेंज है वो 60 किलोमीटर से लेके 115 किलोमीटर तक है। ये जो स्प्रिंट मॉडल है ये आपको मिलेगा 55,000 रुपये में और जो स्प्रिंट प्लस प्लस मॉडल है ये मिलेगा आपको 57,000 रुपये में। और गाइस आप 15,000 से 20,000 की डाउन पेमेंट दे के भी ये स्कूटर्स अपने घर ले जा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी एजेंसी में। और गाइस इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।